नमस्कार, शांति किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन भाजा। इसके लिए मैंने ये 3-4 बैंगन लिए हैं, इसको इस तरह से काट लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, 1/2 कप दही, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार। आइए अब शुरू करते हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें ये बैंगन को फ्राई करेंगे। ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बैंगन फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। बाकी बैंगन को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये सारे बैंगन को मैंने फ्राई कर लिया है, अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ये 2 चम्मच तेल डाला है मैंने, इसमें ये जीरा डालूंगी। अब इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब ये मसाला पेस्ट होने लगा है, अब इसमें हम नमक डालेंगे। ये गरम मसाला आधा कप पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। अब इसमें हम ये सारे बैंगन फ्राई किए हुए डाल देंगे। ये
इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जी भी बन गई है, गैस ऑफ कर देंगे और अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। बैंगन भाजा बनकर तैयार है, इसे आप रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।